तो कैसे आप सब लोग, आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था अपने ह्यूमन आई को, और आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ह्यूमन ईयर के बारे में। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों में से एक आप लोगों को एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और कभी कभी यहाँ पर दोनों ही एक साथ देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बात करें हम लोग अपने ह्यूमन ईयर के बारे में, ठीक है। तो कानों के बारे में तो आप सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप लोग को अभी तक सिर्फ एक ही चीज़ पता होगी कि जो हमारे कान हैं वो सुनने का काम करते हैं, ठीक है, यानी हियरिंग में हेल्प करते हैं हमारे ईयर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ईयर्स हैं उनका एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो यहाँ पर हमारी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करने का भी काम करते हैं। यानी कि बात करें तो आप लोग जो सीधे खड़े होते हो, ठीक है, और यहाँ पर जो भी हमारी बॉडी का पोस्चर वगैरह होता है उसको भी यहाँ पे मेंटेन और रेगुलेट करने का काम यहाँ पे हमारा ह्यूमन ईयर करता है, ठीक है। तो ये भी इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बारे में यहाँ पे कई लोगों को नहीं पता होता है। देखो, मेन फंक्शन तो हमारा वही है कि हाँ ये हियरिंग का काम करता है, यानी सुनने का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर हमारी बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है। अब बेसिकली देखो, हमारा जो सिलेबस है तो उसमें हमें यहाँ पर हियरिंग को ही पढ़ना है, तो हम लोग इसी पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे जो है यही सब देखेंगे कि हमारी हियरिंग में कौन कौन सी मैकेनिज्म होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे ईयर के इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो, ईयर का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे इससे स्टडी करेंगे। अब देखो, यहाँ पे आप लोग ऐसा मत समझना कि ये कलरफुल होता है। ये कलर मैंने इसलिए बना दिया ताकि आप लोग को हर एक चीज़ जो है डिफ्रेंशिएट करके मैं दिखा सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा ईयर है, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें ये होता है हमारा यहाँ पर बाहर वाला स्ट्रक्चर जो आप लोग को दिखता है बाहर वाला, और ये हमारा पूरा अंदर तक रहता है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इन सबको हम लोग यहाँ पे एक एक करके जो है बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो यहाँ पे बात करें हम लोग अपने पार्ट्स ऑफ ईयर के बारे में, तो ईयर को हम लोग यहाँ पे तीन बेसिक पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला हो गया हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, दूसरा हो गया मिडल ईयर, और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे इनर ईयर। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा इतना पार्ट होता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल ईयर हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का हमारा मिडल ईयर हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया यहाँ पे इंटरनल ईयर। अभी इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब यहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल है, मिडल है, इनर है, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हमारा एक्सटर्नल ईयर के अंदर हमारा ऑरिकल हो गया, ठीक है, ऑडिटरी कैनाल हो गया, ईयर ड्रम हो गया, तो इन सबको यहाँ पे एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने एक्सटर्नल ईयर की, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे मेन स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। अब देखो, जैसे कोई भी साउंड है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारा कोई डीजे वगैरह बज रहा है, मतलब कुछ भी हम लोग बोल भी रहे हैं, तो वो जो साउंड होती है, ठीक है, वो यहाँ पे वेव्स के फॉर्म में हमें सुनाई देती है, ठीक है। यानी ऐसा नहीं होता कि साउंड यहाँ पे डायरेक्ट होती है, साउंड हमारे यहाँ पे साउंड वेव के फॉर्म में हमें सुनाई देती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी रखा है, ठीक है, मान लो यहाँ पे डीजे वगैरह बज रहा है, ठीक है, मस्त अपना, तो इसकी जो साउंड वेव है, ठीक है, इसकी जो साउंड वेव है, तो वो यहाँ पे हमारे जो कान है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हमारे एक्सटर्नल ईयर से ही इंटर होती है, ठीक है, यानी यहाँ से जाती है, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ से होते हुए यहाँ यहाँ यहाँ, तो अभी हम लोग देखेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ साउंड वेव, यानी साउंड वेव को कलेक्ट करता है। अब इसके अंदर यहाँ पे तीन मेजर पार्ट होते हैं, जिसमें पहला हो गया हमारे यहाँ पे ऑरिकल, ठीक है। तो ऑरिकल आप लोग देखो, जो यहाँ पे ये इतना पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, ये जो कलर पोर्शन दिख रहा है यहाँ पे स्किन कलर का, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ऑरेंज, तो ये होता है हमारे यहाँ पे ऑरिकल, या फिर इसी को हम लोग यहाँ पे पिन्ना भी बोलते हैं, और ये हमें बाहर से दिखता है, ठीक है। और उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, या फिर सिंपली इसको हम लोग जो है ऑडिटरी कैनाल भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन आप लोग को दिख रहा है, अब ये चीज़ हमें दिखती नहीं है, ये हमारे कान के अंदर होती है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे ईयर ड्रम, या फिर इसी को यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं ईयर ड्रम। बेसिकली जो हमारी साउंड वेव्स हैं वो यहाँ से हमारे ऑडिटरी कैनाल से होते हुए हमारे ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती हैं, ठीक है, और फिर यहाँ से हमारी आगे पहुँचा दी जाती हैं। अब जैसे बात करें हम लोग यहाँ पे ऑरिकल या फिर पिना की, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इलास्टिक कार्टिलेज की शीट होती है जो कि स्किन से कवर्ड होती है। तो देखो, यहाँ पे आप लोग को पता ही है हमारी स्किन से कवर्ड होती है, ठीक है, हमारा यहाँ पे पिना। और उसके बाद यहाँ पे देखो, इसके अंदर भी यहाँ पे तीन मेजर पार्ट होते हैं, जैसे पहला हो गया हेलिक्स, ठीक है, दूसरा हो गया लॉब्यूल, और थर्ड हो गया ट्रैगस। तो यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा होगा। और ये जो नीचे देखो, नीचे जो सॉफ्ट वाला पार्ट होता है जहाँ पे ईयरिंग वगैरह पहनी जाती है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं लॉब्यूल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइड में पार्ट होता है, उसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ट्रैगस, ठीक है। तो स्क्रीन पे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे ये ओपन कहाँ होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है, यानी यहाँ पे ये जो है ख़त्म हो जाता है, या फिर कह सकते हो ओपन होता है।
और बात करें यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल की, तो ये हमारे यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ये हमारा क्या होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है ईयर ड्रम में जो है एक्सटेंड होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से शुरू होकर हमारा ईयर ड्रम तक जाता है, और उसके बाद यहाँ पे देखो इसके अंदर जो है हमें कुछ हेयर्स भी देखने को मिलते हैं, और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेरुमिनस ग्लैंड देखने को मिलता है। अब सेरुमिनस ग्लैंड क्या करती है, हमारी कान के अंदर जो है वैक्स का सिक्रेशन करती है। तो हमारे कानों के अंदर जो येलो कलर की वैक्स जैसी चीज़ दिखाई देती है, ठीक है, मोम जैसी, उसको यहाँ पे सिक्रीट करने का काम हमारी सेरुमिनस ग्लैंड करती है, ठीक है। और ये जो वैक्स है ना ये हमारे कानों को जो है धूल और फॉरेन पार्टिकल्स से प्रिवेंट करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे कानों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब ईयर ड्रम की बात करें तो यहाँ पे देखो ये हमारा जो रेड कलर का आप लोगों को दिख रहा है ये होता है हमारे यहाँ पे ईयर ड्रम। तो ईयर ड्रम को हम लोग यहाँ पे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, और ये बेसिकली हमारे एक्सटर्नल ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करता है। यानी देखो यहाँ तक का जो पूरा पोर्शन होता है यहाँ तक का, ठीक है, ये होता है हमारा यहाँ पे एक्सटर्नल ईयर, यहाँ से यहाँ तक होता है एक्सटर्नल, और यहाँ से शुरू हो जाता है यहाँ पे मिडल, ठीक है, यहाँ तक होता है हमारा मिडल। तो यहाँ पे देखो मिडल ईयर को एक्सटर्नल ईयर से अलग करने का काम कौन कर रहा है, ये ईयर ड्रम ही तो कर रहा है, यानी सेपरेट कर रहा है। देखो यहाँ से पीछे मिडल, यहाँ से आगे एक्सटर्नल, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ये थिन और सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। और यहाँ पे कवर्ड किससे होती है, एपिडर्मिस, यानी कि हमारा स्किन के अंदर जो एपिडर्मिस लेयर होता है उससे हमारी कवर्ड होती है। अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने मिडल ईयर की, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी होती है जो कि हमारी टेम्पोरल बोन के अंदर देखने को मिलती है, और लाइन होती है एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक है। यानी जो हमारा मिडल ईयर है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। और इसको हम लोग यहाँ पे टिम्पैनिक कैविटी के नाम से भी जानते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग ध्यान देना। और उसके बाद यहाँ पे देखो ये हमारे एक्सटर्नल ईयर से जो है सेपरेट होती है, कैसे, ईयर ड्रम से। वही चीज़ मैंने आप लोग को बताई कि ईयर ड्रम क्या करता है, एक्सटर्नल ईयर को जो है हमारे मिडल ईयर से सेपरेट करता है। अब इसके अंदर मेनली हमें जो है तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे पहला हो गया हमारे यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स की, ठीक है, तो ये हमारे ईयर्स की बोन होती हैं, ठीक है। यानी आप लोगों ने सुन रखा होगा मैलियस इनकस स्टेपिस। तो यहाँ पे देखो ये जो ऑरेंज कलर की तीन बोन आप लोगों को दिख रही हैं, 1, 2, 3, ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स यानी ईयर बोन्स, मैलियस इनकस स्टेपिस। अभी हम लोग इसके बारे में और देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें ओवल विंडो देखने को मिलता है। तो ओवल विंडो देखो क्या है ना, ओवल विंडो ये जो हमारी स्टेपिस है, ठीक है, तो ये जहाँ पे ख़त्म होती है वहीं पे हमारा एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे ओवल विंडो कहते हैं। ओवल विंडो से हमारा स्टेपिस बेसिकली यहाँ पे अटैच होता है, और उसके बाद होता है हमारे यहाँ पे स्टैकियन ट्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो ये जो यहाँ पे यहाँ से जो ट्यूब आती है, ठीक है, देखो ये ईयर का स्ट्रक्चर मैंने बस आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए बनाया है, ये एकदम सही नहीं है, तो इसको आप लोग कॉपी मत करना, जो सही स्ट्रक्चर है वो आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर का पोर्शन आप लोग को दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं यूस्टैकियन ट्यूब, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे नोज में जाके ओपन होती है। तो अब हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके जो है अच्छे से देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी ऑसिकल्स की, तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि ये हमारी ईयर की बोन्स होती हैं, और यहाँ पे देखो जो हमारी ईयर की बोन्स हैं वो हमारे पूरे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती हैं, यानी ये सबसे ज़्यादा छोटी बोन होती हैं। और इन तीनों में भी जो हमारा स्टेपिस है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है, यानी हमारे पूरे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन होती है हमारी स्टेपिस। इस चीज़ को आप लोग जरूर याद रखना, ठीक है, एग्जाम में 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिल सकता है, और एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हमारे ईयर की बोन्स का आप लोग जो है नाम बताइए, तो इसको आप लोग को जरूर याद कर लेना, मैलियस इनकस स्टेपिस। और यहाँ पे देखो इनके शेप के हिसाब से इसको यहाँ पे एक और नाम भी दे दिया जाता है, बट आप लोग ये वाला याद कर लेना, इसको यहाँ पे कुछ ज़रूरी नहीं है। जैसे हमारा मैलियस जो है हैमर शेप की होती है, ठीक है, इनकस यहाँ पे एनविल शेप की होती है, और स्टेपिस यहाँ पे स्टिरप शेप का होता है। बाकी आप लोग जो है ऐसे याद कर लेना मैलियस इनकस स्टेपिस। अब देखो इसको आप लोग ऐसे कंबाइंड फॉर्म में मिस के नाम से याद रखते हो, MIS, ठीक है, मिस। अब यहाँ पर मैलियस जो है हमारी लार्जेस्ट बोन होती है ऑडिटरी ऑस्कस की। देखो वैसे तो ये तीनों बोन बहुत छोटी हैं, देखो ये होती है 1, 2, 3, ये वाली मैलियस, ये वाली इनकस, और ये वाली होती है स्टेपिस। तो वैसे तो ये तीनों ही काफ़ी छोटी हैं, बट इन तीनों में भी देखा जाए तो ये वाली हमारी सबसे बड़ी होती है और ये वाली सबसे छोटी होती है, ठीक है, यानी मैलियस लार्जेस्ट, स्टेपिस जो है स्मॉलेस्ट। अब यहाँ पे देखो ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती हैं, जो हमारी ऑडिटरी ऑस्कल्स की बोन है वो करती क्या है, जैसे कि यहाँ पे सुनना आप लोग ध्यान से, कि जैसे कोई भी साउंड है वो जब हमारे कानों में एंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ से होते हुए जो जब हमारे यहाँ पे ऑडिटरी ऑस्कल्स के पास पहुँचता है, यानी हमारी बोन्स के पास, तो यहाँ पे ये करती क्या है, ये हमारे साउंड वेव को बढ़ा देती हैं। आप लोगों को समझना होगा ये चीज़, ठीक है, जैसे कोई भी साउंड आप लोग सुनते हो तो वो उतनी तेज़ नहीं होता जितनी तेज़ आप लोगों को सुनाई देता है,
बेसिकली वो इतनी तेज़ इसलिए सुनाई देता है क्योंकि ये जो हमारी बोन्स हैं ये उस साउंड वेव की फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती हैं, यानी वो साउंड वेव अगर मान लो थोड़ा सा भी है ठीक है तो उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देंगी। इसीलिए देखो अगर मान लो कोई बहुत धीरे भी बोलता है तो आप लोग को सुनाई ज़रूर दे जाता है ठीक है। अगर कोई मतलब ऐसे मैं बता नहीं सकता बट आप लोगों ने सुना होगा जैसे अगर कोई आवाज़ से मुँह से नहीं बोल रहा है ठीक है फिर भी अगर बहुत धीरे बोल रहा है फिर भी आप लोग सुन लेते हो, तो उतनी धीरे आवाज़ आप लोग सुन ही नहीं सकते हो लेकिन उसको सुन कैसे लेते हो, क्योंकि ये जो हमारी ऑडिटरी ऑस्कल्स हैं वो उस फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, लगभग 10 गुना बढ़ा देती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अब यहाँ पे देखो ये हमारी जैसे कि वही चीज़ जो मैंने आप लोग को बताया कि यहाँ पे क्या करती हैं, इंक्रीजेज द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड ठीक है, और यहाँ पे दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग साउंड वेव्स फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द मिडिल ईयर एंड देन टू द इनर ईयर। यानी कि देखो सबसे पहले साउंड वेव हमारी यहाँ पे इंटर हुई, फिर हमारे ऑडिटरी कैनाल से होते हुए ईयर ड्रम पे गई, और ईयर ड्रम से यहाँ पे साउंड वेव को कलेक्ट करने का काम कौन करता है, हमारी बोन्स ठीक है। और कहाँ पहुँचा देती है, हमारी सबसे पहले देखो ये मिडल ईयर तो यही है तो मिडल ईयर में आया, और मिडल ईयर से हमारे इनर ईयर में पहुँचा देती हैं हमारी ऑडिटरी ऑसिकल्स। और बात करें हम लोग यहाँ पे ओवल विंडो के बारे में, तो ये हमारे यहाँ पे मेम्ब्रेन कवर्ड पार्टीशन होता है बिटवीन मिडिल एंड इंटरनल ईयर ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो आप लोग को थोड़ा सा ब्लैक कलर का दिख रहा है ये होता है हमारा ओवल विंडो, तो ये यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा इंटरनल ईयर शुरू हो जाता है ठीक है। ये देखो ये इतना पार्ट हमारा, देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंटरनल ईयर और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा मिडिल ईयर ठीक है। तो मिडिल और इंटरनल ईयर को सेपरेट करने का काम हमारा ओवल विंडो करता है, और ओवल विंडो से हमारा क्या होता है स्टेपिस जो है डायरेक्टली कॉन्टैक्ट होता है। तो देखो ये स्टेपिस है डायरेक्टली यहाँ पे इससे जुड़ी हुई है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो जब हमारी साउंड वेव जो है ओवल विंडो में पहुँचती हैं दे हैव बीन एम्पलीफाइड ओवर 10 times बाई ऑडिटरी ऑस्कल्स। वही चीज़ मैंने जो आप लोग को बताया कि ऑडिटरी ऑस्कल्स हैं हमारी साउंड वेव को 10 गुना बढ़ा देती हैं। और उसके बाद यहाँ पे पहुँचता है ओवल विंडो, और ओवल विंडो से कहाँ पहुँचता है कोक्लिया में। अब हम लोग इसको देख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और देख लेते हैं जो कि हमारा यूस्टैकियन ट्यूब ठीक है। तो ये जो येलो कलर का पोर्शन है ये हमारा यूस्टैकियन ट्यूब है, और ये भी हमारे मिडिल ईयर का ही पार्ट होता है। अब देखो इसको हम लोग यहाँ पे ऑडिटरी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं ठीक है, और ये यहाँ पे कहाँ नेजोफैरिंक्स में जो है कनेक्ट होती है, यानी आप कह सकते हो कि ये हमारी नोज से कनेक्ट होती है ठीक है। और यहाँ पे इसकी लेंथ जो है लगभग 4 centimeters होती है। और यहाँ पे देखो ये करता क्या है, जो हमारा मिडिल ईयर है उसके दोनों साइड में प्रेशर को मेंटेन करता है। अब इसको आप लोग थोड़ा समझना, जैसे देखो यहाँ से हमारी साउंड वेव आ रही है ठीक है, तो यहाँ से देखो ये तो पूरा ओपन है, तो यहाँ से देखो एयर आ रही है तो कुछ प्रेशर है ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा स्टैकिंग ट्यूब है ये हमारा कहाँ से कनेक्ट होता है, हमारे नोज से ठीक है। तो नोज से भी जो ईयर आती है ठीक है, तो वहाँ से देखो नोज से ईयर आ रही है यहाँ तक ठीक है, और यहाँ पे तो ईयर आ ही रही है हमारे कानों से। तो यहाँ पे देखो इसकी वजह से होता क्या है, इसके इस साइड और इस साइड जो है प्रेशर जो है मेंटेन रहता है। अब यहाँ पे बात करें हम लोग अपने इनर ईयर के बारे में ठीक है, तो ये इसको हम लोग यहाँ पे लेबरिंथ के नाम से भी जानते हैं, और इसके अंदर मेनली हमें 3 parts देखने को मिलते हैं। पहला हो गया हमारे यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है ये हमारा हो गया सेमी सर्कुलर कैनाल्स, और ये हमारे 3 देखने को मिलते हैं ठीक है। और दूसरा हो गया वेस्टिब्यूल ठीक है, तो ये जो थोड़ा सा आप लोग को पिंक कलर का पोर्शन दिख रहा है ये होता है हमारा यहाँ पे वेस्टिब्यूल, और फिर होता है हमारे यहाँ पे कॉक्लिया ठीक है। तो ये जो थोड़ा सा स्नेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है हमारे यहाँ पे कॉक्लिया ठीक है, जलेबी जैसा। अब बात करें हम लोग यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स की, तो हमारा जो ईयर है ठीक है इनर ईयर, उसके अंदर 3 तरीके की सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलती हैं। पहला हो गया एंटीरियर, दूसरा हो गया पोस्टीरियर, और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे लैटरल ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1, 2, 3, तो 3 सेमी सर्कुलर कैनाल देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखो जो 2 हैं वो हमारी वर्टिकल रहती हैं, और 1 हमारा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रहता है। देखो वर्टिकल जैसे क्या है कि देखो 2 हमारी ऐसे खड़ी खड़ी ठीक है वर्टिकल, और 1 हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यानी कि जमीन में रहता है ठीक है। थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल आप लोग समझ रहे हो ना, और वर्टिकल यानी कि थोड़ा सा खड़ा हुआ ठीक है। देखो ये ऐसे हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल ठीक है। और यहाँ पे देखो जो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती हैं। देखो इनका सुनने में कोई रोल नहीं होता ठीक है, ये हियरिंग में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करती हैं। और उसी तरीके से जो हमारा वेस्टिब्यूल है ठीक है, तो ये हमारे जो है सेंट्रल पार्ट होता है हमारे इनर ईयर का ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर जो है यूट्रिकल्स और सेक्यूल नाम के 2 parts देखने को मिलते हैं। अब देखो उतना डिटेल में हम लोगों ने नहीं बनाया, बट यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 2 parts होते हैं ठीक है, एक होता है यहाँ पे यूट्रिकल्स और दूसरा होता है सेक्यूल। अब यहाँ पे ये भी हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करता है ठीक है, तो ये दोनों मिलके हमारी बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अब कैसे करते हैं तो वो एक अलग टॉपिक है, वहाँ पे हम लोग नहीं जाएंगे अभी, आप लोग ऐसे समझो क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है हियरिंग को ठीक है, तो हियरिंग में मेन रोल प्ले करता है हमारा कॉकलिया ठीक है। देखो इन दोनों का हियरिंग में रोल नहीं होता है, कॉकलिया हमारा हियर में हियरिंग के रोल में प्ले करता है ठीक है।
अब कॉकलिया की बात करें तो देखो ये हमारे यहाँ पे स्नेल शेप का स्ट्रक्चर होता है। तो स्नेल अगर आप लोगों ने देखा हो स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा, स्नेल हमारा बेसिकली एक जो है जीव होता है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो कॉकलिया जो है क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये हमारा लिक्विड से फिल होता है और यहाँ पे एक माइक्रोफोन की तरह ऐड करता है, जो कि हमारे साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और उनको यहाँ पे ब्रेन के पास भेज देता है। अब आप लोग को थोड़ा सा ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे हमारी साउंड वेव कैसे हमें सुनाई देती हैं। सबसे पहले यहाँ से एंटर हुई, यहाँ पे एंटर होने के बाद यहाँ से होते हुए, ठीक है, मान लो हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये हमारी कोई साउंड वेव है, ठीक है। तो यहाँ से एंटर हुई, ठीक है, फिर यहाँ से देखो यहाँ से होते होते यहाँ पे गई, ठीक है, फिर यहाँ से होते होते यहाँ होते, ठीक है, फिर यहाँ से देखो यहाँ से हमारा जो ऑडिटरी ऑसिकल्स है, तो यहाँ से हमारी साउंड वेव एंटर कर जाती है हमारी कॉकलिया के अंदर। अब ये जो कॉकलिया है इसके अंदर ये जो आप लोग को थोड़ा सा ग्रीन पोर्शन दिख रहा है, तो वैसे ग्रीन नहीं होता है, मैंने आप लोग को बस दिखाने के लिए बना लिया है। तो मान लो ये हमारा होता है लिक्विड होता है, ठीक है, मतलब फ्लूड होता है, ठीक है, कुछ भी फ्लूड हो सकता है। तो इसके अंदर लिक्विड भरा रहता है और इस लिक्विड के अंदर हमारी साउंड वेव जो है एंटर करती है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर से। और उसके बाद यहाँ पे कॉकलिया क्या करता है, ये हमारी साउंड वेव को जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स यानी नर्व इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन के पास भेज दिए जाते हैं, ठीक है, और वहाँ से हमें जो है साउंड का आइडिया लगता है, ठीक है, कि साउंड हमारी कैसी है। तो यहाँ पे देखो ये बिल्कुल आई की तरह ही काम करता है। अब आप लोग को यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली होगी कि जो हमारा आई है, जो हमारा ईयर है, ठीक है, तो ये दोनों बेसिकली हमारे वाइब्रेशंस या फिर वेव्स को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। आई हमारी जैसे जो है विजन की वेव्स को कलेक्ट करती है और ये हमारा साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और भेजता कहाँ पे, भेजता है ब्रेन के पास, ठीक है। और ब्रेन यहाँ पे बेसिकली देखने का भी काम ब्रेन ही करता है, मतलब पहचानने का काम भी ब्रेन ही करता है, ठीक है, और उसके बाद सुनने का काम भी यहाँ पे ब्रेन के पास में होता है। अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें हमारी ब्रेन के पास होती हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग शॉर्ट में समझते हैं अपने फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग को। अब देखो ऐसा होता है कि फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग आपसे डायरेक्टली जो है 5 या 7 नंबर में पूछा जाएगा, तो आप लोग को पहले ईयर के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है। अब आप लोग इसको लैंग्वेज के फॉर्म में थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो। बाकी यहाँ पे देखो अगर आप लोगों ने इस तरह का फ्लो चार्ट बना के आया, ठीक है, तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और बिल्कुल भी नंबर वंबर नहीं घटेंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे जो साउंड वेव्स है, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया कि वो हमारी कहाँ होती है, ईयर में इंटर होती है थ्रू ऑरिकल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा पूरा पोर्शन ऑरिकल होता है, ऑरिकल या फिर पिना, ठीक है, दोनों नाम से जानते हैं। तो साउंड वेव सबसे पहले कहाँ, इसके अंदर इंटर होती है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे साउंड वेव्स इम्पैक्ट विथ ईयर ड्रम एंड वाइब्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साउंड वेव यहाँ पे आई, ठीक है, फिर यहाँ पे होते होते हमारे ईयर ड्रम के पास गई और ईयर ड्रम को क्या किया, उसने जो है इम्पैक्ट किया। बिल्कुल ऐसा समझो ईयर ड्रम हमारा एक ढोलक टाइप का है और आप लोगों ने ढोलक बजाया, ठीक है, तो क्या हुआ, ढोलक वाइब्रेट होता है, उसी तरीके से ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ठीक है, ये वाइब्रेट हुआ यानी हिलना शुरू हो गया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब इसने साउंड वेव्स को आगे भेजा, अब ये वाइब्रेट हुई, ठीक है, हमारी जो ये तीनों ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं, वाइब्रेशन पास थ्रू ऑसिकल्स, ठीक है, और ऑसिकल्स ने क्या किया, एम्पलीफाई साउंड एंड सेंड इट टू द इनर ईयर, यानी साउंड को बढ़ा दिया, एम्पलीफाई मतलब बढ़ा देना, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या किया, इनर ईयर के पास भेज दिया। और इनर ईयर ने क्या किया, इनर ईयर ने हमारी साउंड वेव्स को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में। और यहाँ पे जो हमारे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं या फिर इसी को आप लोग नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हो, तो ये हमारी जो है ऑडिटरी नर्व होती है, ठीक है, हमारे नर्वस सिस्टम में, तो उसके द्वारा कैरी कर लिया गया और यहाँ पे हमारे ब्रेन के पास जो हियरिंग सेंटर है उसके पास भेज दिया गया। और उसकी वजह से क्या हुआ, हमें यहाँ पे पता चल गया कि जो हमारी साउंड है वो कैसी है और इस तरीके से हमारा यहाँ पे हियरिंग का काम होता है। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे आई और ईयर दोनों का काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।